तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए एक अपोजिट क्या होता है? रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई भी एक्शन होता तो उसका एक अपोजिट क्या होता है? रिएक्शन। जैसे कोई एक बॉडी है, ये बॉडी है ए, इसका फोर्स हो गया एफ ए, फोर्स एफ ए। ये सेकंड बॉडी है बी, इसका फोर्स हो गया एफ बी। तो जितना फोर्स ए बॉडी बी पर लगाएगी, जितना फोर्स ए बॉडी किस पर लगाएगी? बी पर, वो बराबर होगा जितना फोर्स बी बॉडी लगाएगी ए पर, बट नेगेटिव साइन, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या होती है? अपोजिट। एक्शन और रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन दोनों जब आपस में एक्ट करते हैं, एक्शन और रिएक्शन आपस में जब क्या करते हैं? एक्ट करते हैं, तो इक्वल और क्या रहता है? अपोजिट फोर्स। इक्वल और अपोजिट फोर्स, अपोजिट फोर्स का मतलब होता है वो पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। ध्यान रखिएगा कि जो दोनों बॉडी होती है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। जो पहली बॉडी का दूसरे पे लगेगा उसे हम बोलते हैं एक्शन, और जो दूसरी बॉडी का पहले पे लगेगा उसको बोलेंगे रिएक्शन। अब इसके फैक्ट पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या फैक्ट है नेक्स्ट हेडिंग में। बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूटन थर्ड लॉ। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? कभी भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा किसमें एग्जिस्ट करेंगे? पेयर में। किसमें एग्जिस्ट करेंगे? पेयर में। पहला होता है एक्शन और दूसरा होता है रिएक्शन। पहला होता है एक्शन और दूसरा होता है रिएक्शन, वो हमेशा दोनों जोड़े से चलते हैं, दोनों भैया भैया, एक मुक्का मारेगा तो दूसरा भी मारेगा, वो होते हैं एक्शन और रिएक्शन। सेकंड पॉइंट कहता है एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडी में होते हैं, दो इंसान है अलग अलग, दो बॉडी है अलग अलग, इसलिए वो कभी भी आपस में कैंसिल आउट नहीं कर सकते, आपस में कैंसिल आउट नहीं कर सकते। लेकिन उसका रिजल्टेंट देखें, एफ ए बी बराबर था माइनस एफ बी ए के, लेकिन अगर इसका रिजल्टेंट करते हैं, एफ बी ए को अगर आप इधर लेके आते हो तो रिजल्टेंट इसका क्या हो जाता है? जीरो। लेकिन आपस में कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि कैसे है? इक्वल और अपोजिट। कैसे है? इक्वल और अपोजिट। आपस में कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि वो कैसे है? इक्वल और अपोजिट। लेकिन उनका रिजल्टेंट हमेशा कैसा रहता है? जीरो। थर्ड पॉइंट कहता है थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है हर तरीके के फोर्स के लिए, कैसा भी फोर्स हो थर्ड लॉ एप्लीकेबल, कैसा थर्ड लॉ एप्लीकेबल उसके लिए है। फोर्थ पॉइंट कहता है थर्ड लॉ एप्लीकेबल है दोनों कंडीशन के लिए, चाहे बॉडी रेस्ट पे हो और चाहे बॉडी मोशन पे हो, चाहे बॉडी रेस्ट पे हो और चाहे बॉडी मोशन पे हो। पहला पॉइंट क्या कहता था? सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा पेयर में करते हैं, एक होता है एक्शन और दूसरा होता है रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन वो डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं, इसलिए वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। एफ ए बी बराबर था माइनस एफ बी ए के, लेकिन इसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है? जीरो। लेकिन आपस में कैंसिल नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट कहता है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो एप्लीकेबल है हर तरीके के फोर्स के लिए। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि ये दोनों कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे बॉडी रेस्ट पे हो और चाहे बॉडी मोशन में हो, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है, राइट? तो बच्चों अब टॉपिक है इंपल्स। तो क्या होता है इंपल्स? एक लार्ज फोर्स का लगना किसी भी बॉडी पे बहुत कम टाइम के लिए क्या कहलाता है? इंपल्स। लार्ज फोर्स का लगना, जैसे कोई मैंने रोप ली हुई है, एक रोप ली हुई है, उसको मैं हल्का सा फोर्स लगाऊं तो उस पर पल्सेस क्रिएट हो जाएंगे। तो जो फोर्स लगाया लार्ज फोर्स था, शॉर्ट टाइम भी थोड़ी देर के लिए लगाया, लेकिन पल्सेस दूर तक ट्रेवल कर रही, तो वो क्या था उसमें? इंपल्स। तो लार्ज फोर्स लगाना किसी भी बॉडी पर बहुत कम समय के लिए वो कहलाता है इंपल्स। तो इंपल्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फोर्स, जो हमने लार्ज फोर्स किसी बॉडी पर लगाया था, इनटू जितना भी टाइम ड्यूरेशन उसमें लगा है, जितना भी टाइम ड्यूरेशन उसमें लगा है, उसके प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? इंपल्स। क्या बोलेंगे? इंपल्स। इंपल्स होता क्या था? लार्ज फोर्स का लगना, लार्ज फोर्स का एक्ट करना
बहुत कम समय के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, उसे हम बोलते हैं इंपल्स। क्या बोलते हैं? इंपल्स। किसके बराबर होता है? जितना भी फोर्स हमने लगाया इनटू टाइम पीरियड, इनटू टाइम। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी इंप्रेस फोर्स के। F प्रोपोर्शनल dp अपॉन dt, F इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाते कांस्टेंट आता k, तो kdp अपॉन dt, kdp अपॉन dt। ऐसा ही सिस्टम में हमें पता है, ऐसा ही सिस्टम में k की वैल्यू 1 होती थी, k इक्वल टू 1, तो F बराबर आता था dp अपॉन dt। dt का जहां मल्टीप्लाई कीजिए इक्वल टू dp। अब क्या करना है आपको? इंटीग्रेट करना है दोनों साइड को, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो चलिए करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब जब आप इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड को, तो यहां पे टाइम इंटरवल आ रहा है, तो जो टाइम इंटरवल लेंगे हम लिमिट जीरो से लेके कहां तक? टी तक, क्योंकि बॉडी जो स्टार्ट हुई होगी वो जीरो से हुई होगी, और कहां तक जा सकती है मैक्सिमम टाइम? टी। कितना भी हो सकता है टी। इक्वल टू मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम p1, फाइनल मोमेंटम p2, यहां पे ये क्या है? dp। तो जब इंटीग्रेट करते हैं dt का इंटीग्रेशन आता है t, लिमिट 0 से t, dp का इंटीग्रेशन आएगा p, लिमिट p1 से p2। तो f लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, f 0 तो हट गया इनटू t, P2 माइनस P1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? डेल्टा P, और ये क्या है? F इंटू टी, और F इंटू टी मैंने अभी ऊपर पढ़ा था, फोर्स इंटू टाइम बराबर होता था इंपल्स, यानी इंपल्स जो आता है वो किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू टाइम या चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा P का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम चेंज हुआ है किसी भी बॉडी का वो भी क्या कहलाता है? इंपल्स। या हम बोल सकते हैं फोर्स का मल्टीप्लाई टाइम के साथ इंपल्स, या जितना भी मोमेंटम चेंज हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? इंपल्स। बच्चों अब बात करेंगे हम इंपल्स की यूनिट की। तो हमने पढ़ा है इंपल्स का फॉर्मूला, इंपल्स का फॉर्मूला होता था फोर्स इंटू टाइम। तो एसआई यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट क्या बनेगी? फोर्स की न्यूटन और टाइम की सेकंड। तो एसआई यूनिट हमारी होगी न्यूटन सेकंड। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस में न्यूटन को हम किसमें लिखते थे? टाइम में, और सेकंड का तो सेकंड ही रहना। तो सीजीएस यूनिट क्या हो गई? डाई सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का, मास इनटू एक्सीलरेशन, टाइम का टी, मास का एम, एक्सीलरेशन का एल टी माइनस टू, और टाइम का टी। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे इसको तो डायमेंशनल फॉर्मूला बना एम एल, एक टी से टी कैंसिल, तो टी माइनस वन। और जो इंपल्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, पहले इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उससे इंपल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर हम पढ़ने वाले हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। घोड़ा और जो उसके साथ बग्गी अटैच होती है, उसके साथ जो प्रॉब्लम एक्सेलरेशन निकलता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया? एक कार्ट ली, उस कार्ट का मास है m, जो वेट है वो क्या एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन उसका अपवर्ड डायरेक्शन में। ये जो f है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उसके पहियों में लगेगा ग्राउंड के साथ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब उसके आगे हमने एक माना, एक हॉर्स है
जो हॉर्स का नॉर्मल रिएक्शन है वो आर है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा। और जो घोड़े का वेट है वो कनेक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कनेक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जब हॉर्स पुल कर रहा था कार को, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, टेंशन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। जब घोड़ा अगर कोई बग्गी को खींच रहा है तो जो टेंशन फोर्स होगा वो कहां होगा, पीछे की साइड, कहां होगा, पीछे की साइड। WH हमने क्या माना, वेट माना हॉर्स का, जो कहां लग रहा था हमारा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और उसको बैलेंस कौन करेगा, आर साइन थीटा। बैलेंस कौन करेगा, आर साइन थीटा, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। जो वेट था हॉर्स का WH, उसको कौन बैलेंस करेगा, आर साइन थीटा। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से जो कार्ट है वो क्या करेगी, आगे की तरफ मूव करेगी। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा होगा टेंशन फोर्स से, तभी वो घोड़ा उसको खींच पाएगा, अदरवाइज नहीं खींच पाएगा। अगर बराबर हो जाए तो भी नहीं खींचेगी वो। और आर कॉस थीटा लेस देन हो गया टेंशन फोर्स से, तो वो बग्गी वहीं खड़ी रह जाएगी, कार्ट जो है वहीं खड़ी रह जाएगी, घोड़ा उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा पाएगा, क्योंकि टेंशन फोर्स ज्यादा है। जब टेंशन फोर्स ज्यादा है तो घोड़ा कितना भी खींचने की कोशिश करे लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो आर कॉस थीटा ग्रेटर होना चाहिए टेंशन फोर्स से, तभी वो कार्ट आगे खींच सकती है, अदरवाइज नहीं। तो जो नेट फोर्स आया इसका, F इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस टी, फोर्स का फॉर्मूला जो घोड़ा लगा रहा था, मास इनटू एक्सेलरेशन, आर कॉस थीटा माइनस टी, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो किसका है, हॉर्स का, किसका है, हॉर्स का। अब इसके बाद जो नेट फोर्स लगेगा कार्ट पे, तो बच्चों जो नेट फोर्स कार्ट पे आएगा, कार्ट पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, एक तो कार्ट पर फोर्स लग रहा है F, जो घोड़े की वजह से लग रहा था, दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था टायर्स का, बराबर किसके, टेंशन फोर्स के, जो उसकी रूप में होगा। तो F इक्वल टू T माइनस F, अब जो फोर्स था ये कार्ट पे, तो मास कितना था कार्ट का, F, और एक्सेलरेशन भी कितना होगा, जितना घोड़े का था, घोड़ा जिस स्पीड से चलेगा कार्ट भी उसी स्पीड से चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि कार्ट तेज मूव कर जाए और घोड़ा धीरे चल रहा, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एम ए इक्वल टू टी माइनस एफ, ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकंड। अब ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन आई थी एम ए प्लस सेकंड इक्वेशन कैपिटल एम ए इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन थी आर कॉस थीटा माइनस टी, और सेकंड इक्वेशन टी माइनस एफ। तो टी से टी कैंसिल, यहां पर ए कॉमन, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एफ, हमें वैल्यू निकालनी थी एक्सेलरेशन की, तो ए इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये घोड़े का क्या आ गया हमारा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ हॉर्स, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ हॉर्स।